दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, हम कोई भी सॉन्ग सुनते रहते हैं और उस सॉन्ग का हमें बीच का पार्ट पसंद आता है। बीच का पार्ट हम अपने जियो नंबर पर ही कॉलर ट्यून सेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे ट्रिक यूज करते हैं, लेकिन सेट नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग अपने मनपसंद सॉन्ग को बीच से कट करके कैसे अपने जियो नंबर पर कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम आपको नॉर्मल तरीके से दिखाते हैं कि जो सॉन्ग हमने पसंद किया है उसे हम कितने जगह से कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जियो साउंड ऐप्स को ओपन करेंगे। जियो साउंड ऐप्स को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको सर्च बार का ऑप्शन दिखाया जाएगा। अब इस पे हम क्लिक करके जो भी सॉन्ग हमें चाहिए उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे या फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो फेवरेट सॉन्ग है उसका नाम है मलंग सजना। तो यहाँ पे देखिए सॉन्ग सबसे टॉप पे आ चुका है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉन्ग को प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद अब हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेट जियो टोन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ही जगह से कॉलर ट्यून सेट करने का ऑप्शन दिख रहा है और ये हमारा फेवरेट जगह नहीं है। अब हम इसको कट करके कैसे सेट करेंगे, यानी कि हम जब इसको प्ले करेंगे यहाँ से चलते चलते बीच में आएगा, अब हम यहाँ से कैसे सेट करेंगे, ये वाला पार्ट अगर हमें पसंद आ रहा है तो हम कैसे सेट करेंगे। तो ये हम आपको एक ट्रिक यूज करके दिखाते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाना है बैक। बैक होने के बाद आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ऐप्स ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ऐप्स जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जियो कॉलर ट्यून। तो जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको इस वाली वेबसाइट पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद एक नया पेज आपके सामने आएगा। मुझे पता है कि आप लोग इस तरीके का वीडियो बहुत सारा देखे होंगे लेकिन आप सेट नहीं कर पाए होंगे, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें बिल्कुल नई ट्रिक यूज होने वाली है जिससे आप सॉन्ग को कॉलर ट्यून हर जगह से सेट कर पाएंगे। तो आपको सर्च बार पे क्लिक करने से पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट क्लिक करने के बाद आपको अब सर्च बार में क्लिक करना है और आपको लिखना है जियो कॉलर ट्यून या फिर जियो ट्यून, आप लिख के सर्च कर लीजिए। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको इसे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेटअप योर जियो टोन्स का एक ऑप्शन दिया जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे और यहाँ पे जियो टोन्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपको वेट करना है, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपके जियो नंबर पर जो कॉलर ट्यून सेट रहेगा वो भी यहाँ पे दिखेगा और जो आप कट करके बीच से कॉलर ट्यून सेट करना चाहते हैं उसे सर्च करने के लिए आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। जो वहाँ पे हमने सर्च किया था वही सॉन्ग यहाँ पे सर्च करेंगे, मलंग सजना। और सर्च करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है तो यहाँ पे सॉन्ग आ जाएगा। दोनों सॉन्ग सेम है तो आप लोग कोई सा भी सेट कर सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए तीन पार्ट से हम इसको अपने जियो नंबर पर सेट कर सकते हैं। जो हमारा फेवरेट जगह है वो ये वाला है, सेकंड वाला। तो हम इस पे क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं और सेट करने के लिए हम जब सेट पे क्लिक करेंगे तो ये जियो नंबर पर तुरंत ही सेट हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा भी सॉन्ग सर्च करके दिखा देते हैं कि वो भी अलग अलग पार्ट से सेट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली रांझना वे। तो जैसे लिखेंगे देखिए टॉप पे जो सॉन्ग आया इस पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये भी हम दो पार्ट से सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका फेवरेट पार्ट है आप सुन करके सेट पे क्लिक करके सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आप लोग भी अपने मनपसंद सॉन्ग को बीच से कट करके कॉलर ट्यून सेट करना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।